नरेंद्र मोदी जी ने 3,50,000 करोड़ रुपए 15 उद्योगपति मित्रों का माफ किया है, किसान का माफ नहीं करते हैं। यहां पे नॉर्थ ईस्ट में स्पेसिफिकली सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और जो एनआरसी को गलत तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ये दो मुद्दे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने अपनी पोजीशन साफ करी है, राज्यसभा में हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को हराया है। उनको मतलब हराया क्या, वो तो डर गए, वो आए भी नहीं। तो जो नॉर्थ ईस्ट का कल्चर है, जो आपकी भाषाएं हैं, उसका उसकी हम रक्षा करेंगे, आपके साथ खड़े होंगे। और आपको ये नहीं लगना चाहिए कि एआईसीसी ये काम कर रही है। एआईसीसी को शक्ति आपसे मिलती है, कांग्रेस पार्टी आप लोग, कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, और आप लोग कांग्रेस पार्टी का झंडा पूरे नॉर्थ ईस्ट में फैलाते हो, घरों में जाते हो, तो आप एक प्रकार से हमारी शक्ति हो। भ्रष्टाचार का मोदी जी ने कहा था, प्रधानमंत्री मत बनाओ, चौकीदार बनाओ, याद होगा आपको। आजकल कोई भी चौकीदार शब्द बोलता है तो जवाब मिलता है चोर है, मतलब बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आप बोलो चौकीदार, वो वहां से आता है चोर है। और मैंने अंग्रेजी में माफी मांगी कि देश के चौकीदारों से माफी मांगी कि मैंने उनका नाम, उनके नाम पे सवाल उठा दिया, मगर सचमुच में एक ही चौकीदार है जिसने चोरी की है और उसके बारे में सब जानते हैं। 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी जी के जेब में डाले हैं राफेल मामले में। तो ये आपके सामने मुद्दे हैं। देखिए 2019 का चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है, ये रियलिटी, और इसको कोई रोक नहीं सकता है। अब नॉर्थ ईस्ट में 25 सीटें हैं, 25 है ना, आप मुझे बताओ 25 में से कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कितने सीटें कांग्रेस पार्टी को दिलवाएंगे, ये बता दो मुझे। 25 में से 25 प्लस सीट्स आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम कांग्रेस पार्टी इन द नॉर्थ ईस्ट, नथिंग लेस देन 20+। एंड देन आफ्टर दैट, उसके बाद में भैया देखिए, यहां पे आपके जो सरकारों को गलत तरीके से निकाला गया है, हटाया गया है, एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी की सरकारों को वापस लाना है। तो अब आपको आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। यहां हमारी इससे पहले जो नॉर्थ ईस्ट कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें मैंने कहा कि हम नॉर्थ ईस्ट का जो सेंटिमेंट है, नॉर्थ ईस्ट की जो अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, धर्म हैं, इन सबको हम रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, इनकी आवाज सुनना चाहते हैं। और मैंने उस मीटिंग में बधाई दी कि नॉर्थ ईस्ट के सब स्टेट्स के सीनियर लीडर्स उस कमेटी में हैं, और जो नॉर्थ ईस्ट की एक प्रकार से जो आत्मा है, जो स्पिरिट है, वो उस कमेटी में शामिल है। तो मैं आप सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। अब चुनाव का समय है, आप नफरत से मत लड़िए। बीजेपी बांटने का काम करती है, नफरत फैलाने का काम करती है, आप जोड़ने का काम करते हो, भाईचारे की बात करते हो, प्यार की बात करते हो, और अंत में हिंदुस्तान में भाईचारा प्यार नफरत को हराता है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं और चुनाव में पूरा दम लगाकर, आपने 20 कहा बट 22 से ज्यादा सीट लेनी है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।
8000 करोड़ का बजट किया, जो हमने वादे किए थे 70 लगभग वो पूरे हो गए, जो नहीं हुए वो केंद्र की वजह से हुए। देखिए पहला तो मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था और उस जीएसटी के कारण इस सरकार की आमदनी में वर्ष 2017-18 में लगभग 4800 करोड़ की वृद्धि हुई, वर्तमान वर्ष 18-19 में लगभग 8000 करोड़ की वृद्धि हुई और जो प्रपोजल्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं जीएसटी के उसके अनुसार लगभग 10,000 से ज़्यादा करोड़ की वृद्धि इस वर्ष आकी जा रही है। तो कुल मिलाकर के अगर 3 साल का लेखा जोखा देखें जीएसटी का तो उसमें जो उसके कारण जो वृद्धि हुई है वो लगभग एक सब्सटेंशियल अमाउंट है दिल्ली की सरकार का, जो 3 गुना जो है टैक्स रेवेन्यू को जो बढ़ा रहा है। तो एक तरफ आप जीएसटी को गाली देते हैं, जनता के बीच में भारत की सरकार के बारे में अपशब्द कहती है आम आदमी पार्टी, और दूसरी तरफ उसके कारण जो लाभ मिल रहा है उसको अपनी उपलब्धि गिनवाते हैं। तो ये जो वृद्धि हुई है इसका मुख्य कारण जीएसटी है। ये बजट लोगों को निराश कर रहा है, दिल्ली के लोगों को निराशा